कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा तो कम से कम वो मुझे पहचान ले, देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। जिनके पास ये बेईमानी का है वो मान के चले कागज का टुकड़ा है, वो ज्यादा कोशिश ना करें, ज्यादा कोशिश ना करें, वरना सरकारी मैं इसके लिए अगर 1,00,000 नए लड़कों को नौकरी देनी पड़ेगी दूंगा और कोई इसी काम में लगाऊंगा। लेकिन देश को, देश में ये सारा कारोबार बंद चल रहा है, उसको बंद करना है। और अब लोग मुझे समझ गए हैं, इतने दिन उनको समझ नहीं आया, लेकिन जरा ये डोज ज्यादा आया तो समझ आया। लेकिन ये एंड नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं आज खुल करके कहता हूं ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये आने वाले हैं, ये ईमानदार लोगों के लिए मैं कर रहा हूं जी, देश के गरीब लोगों के लिए कर रहा हूं, मेहनत करके जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको अपना घर मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके घर में बुजुर्गों को अच्छी दवाई मिले, इसके लिए मैं कर रहा हूं। मुझे गोवा वासियों के आशीर्वाद चाहिए। आप खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दें, देश देखेगा, देश देखेगा। ईमानदार लोग, इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आइए आइए, ईमानदारी के इस काम में मेरा साथ दीजिए। शाबाश शाबाश मेरे गोवा के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका सर झुका करके नमन करता हूं। ये सिर्फ गोवा नहीं, ये सिर्फ गोवा नहीं, ये हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है, हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है, मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मैं जानता हूं। 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे, उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे, देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए आप।